प्यारे बच्चों, आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। हम भी हैं यहाँ पे। प्यारे प्यारे बच्चों, आप सबको और आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। वैसे कैसी अच्छी बात है ना हमायों, हमारे आज के प्रोग्राम का भी नाम है ईद मुबारक। अच्छा मुझे ये बताएं, आपके नजदीक ईद किस चीज का नाम है? देखो मेरे नजदीक ईद नाम है सवैया, पलाव, पकोड़े, ओहो हो हो, और थोड़ा बस सोने का। यानी के आपके नजदीक सिर्फ ईद खाने पीने का नाम है और सोने का नाम है? आप सो के थकते नहीं है वैसे? हाँ थक जाता हूँ, जब थक जाता हूँ तो फिर दोबारा आराम कर लेता हूँ। क्यों बच्चों? मेरा मतलब तो ये है, मैं तो अपने कल्चर के बारे में बता रही हूँ। ईद वाले दिन सुबह सुबह सबसे पहले अम्मा अब्बा से ईद मिलना, फिर फुफ्फो, ताई, चची सबके साथ ईद सेलिब्रेट करना, हमारे मजे मजे के खाने, और सबसे मजे की बात ये मेरी और बच्चों की फेवरेट अगर है तो ईद के कपड़े। क्यों बच्चों? ये बात हमारे अपने बच्चों को देखा, कितने प्यारे उन्होंने ड्रेसेस पहने हुए, इतने प्यारे वो बच्चे लग रहे हैं, देखना चाहेंगे? अच्छा वैसे आपने बात सही की है, ईद तो सिर्फ बच्चों की होती है। क्यों बच्चों? लेकिन बच्चों की ईद की बात करने से पहले, क्योंकि ऑफ कोर्स शो भी बच्चों के, मुझे आपसे एक सवाल करना है। बच्चों आपने जवाब नहीं देना, अपनी उंगलियां लिप्स पे रखने, कोई नहीं बात करेगा। अभी तो मैं जरा हमायों से पूछने लगी हूँ। हमायों आप मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान में पहला ड्रेस शो कब हुआ? पहला ड्रेस शो? हाँ मुझे नहीं पता। मैं बताती हूँ, पाकिस्तान में पहला ड्रेस शो हुआ था 1989 में। ओए ओए ओए, अच्छा 1989 में। लेकिन आज 2022 में भी एक बड़ा ही बेहतरीन ड्रेस शो होने जा रहा है। इतने कोई प्यारे लग रहे बच्चे, आपने बच्चों को देखा क्या क्या पहना हुआ उन्होंने? बिल्कुल मैंने देखा है, इतनी खूबसूरत उनकी वार्डरोब, इतने खूबसूरत उनके कॉस्ट्यूम। तो हो जाए, मैं बुलाता हूँ, प्लीज प्लीज। बच्चों मुझे मिलना चाहिए ना चांस बुलाने का। मैं बुलाऊं? तो भाई आपकी भरपूर तालियों में खूबसूरत प्यारे नन्हे छोटे हर साइज के बच्चे खूबसूरत ड्रेस पहने आ रहे हैं, तो तालियां बजाना ना भूले। बुलाते खूबसूरत से बच्चों को एक प्यारा सा ड्रेस शो। बिग राउंड ऑफ अप्लॉज लेडीज एंड जेंटलमैन, भरपूर तालियां।